एक तरफ चाय का काम करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी तरफ टोहाना में चाय की रेहड़ी लगाने वाले जितेंद्र की बेटी ने 12वीं में कॉमर्स में 98% अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। गुरुवार को सुबह जब चाय की रेहड़ी लगाने वाले जितेंद्र रोजाना की तरह अपनी रेहड़ी लेकर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटी के परीक्षा परिणाम से खुश जितेंद्र की चाय वाली रेहड़ी के पास से निकलने वाले हर शख्स को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस दौरान शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने जितेंद्र को बधाई दी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इस दौरान जितेंद्र ने कहा कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय वाले की बेटी ऐसा परिणाम लाकर उनका नाम रोशन भी कर सकती है, जिससे उन्हें काफी खुशी है। जितेंद्र ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं और बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं समझा। हर माता पिता को अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो आपकी बेटी को क्या कभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो आप ये काम करते रहते हैं? इसको कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। और अब आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं तो यही कहूँगा भाई, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने देश के चाहे काम करते थे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया और मेरी बेटी को भी खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। और जैसे मैं तो यही कहूँगा, अच्छा पढ़ाई जिससे उसका नाम रोशन हो, हमारे को भी बहुत खुशी है। दीक्षा के अनुसार वे आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सब इंस्टीट्यूट के स्टाफ की बदौलत है, उन्होंने इतनी मेहनत कराई, इतने टेस्ट, इतने रिवीजन हुई हमारी, इतने प्रैक्टिस के बाद ये रिजल्ट आज हमारे सामने है। उम्मीद तो थी, उम्मीद हर बच्चा लगाता है अपनी मेहनत में, हर बच्चे को भरोसा होना चाहिए और रिजल्ट उसके मुताबिक जरूर आएगा। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, इस इंस्टीट्यूट को, फर्स्ट बैच था और इस फर्स्ट बैच में इन्होंने कमाल करके दिखाया है। भविष्य में मैं इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के अंदर सर्विस करना चाहूंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, किसी और की कंपटीशन की बजाय अपने आप से कंपटीशन करो, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ो, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकोगे। करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डेली रेगुलर जो स्टाफ पढ़ा रहा है आपका, आप उसी पे फोकस करो, आपको एक्स्ट्रा काम की भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दीक्षा के शानदार परिणाम के बाद बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह ने उन्हें फोन कर बधाई दी और बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी सीट रिजर्व हो चुकी है। टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।